श्री राम के वहां आराध है, तो अगर हम वहां जाते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं तो इनको परेशानी हो गई। इन्होंने सवाल खड़े कर दिए, ये पूछिए कि ये जो हम मंदिर में आए दर्शन करने, क्या इन्हीं की बकौती है, क्या इन्होंने ठेका ले रखा है, क्या इनसे पास लेकर के ही वो दर्शन कर सकता है, या क्यों नहीं कराना चाहते हैं? इससे नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अभी तक कहीं दूर दूर तक पता नहीं है कब बनेगा, कहाँ बनेगा, अभी तो पैसा इकट्ठा होने का ही कार्यक्रम चल रहा है। न्यू तक नहीं पड़ी है, न्यू शुरू भी नहीं हुई है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो डालना शुरू भी नहीं किया। और भूमि पूजन के नाम पे न भूमि पूजन किया न न्यू पूजन किया, आज ही की तारीख थी 5 अगस्त, पिछली 5 अगस्त को ईंट पूजन किया, ईंटे का पूजन किया था, और वो भी एक ऐसे दिन किया था जिस दिन सबने कहा था कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज इस पूजन को मत करो, तो लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी सुविधा के हिसाब से पूजन होना था, तो इससे ईंटे का पूजन करके और 250 करोड़ रुपए खाली उस दिखावे में खर्च हो गए, बस उसके बाद वो ईंट कहाँ गए और मंदिर में क्या हो रहा है कहीं पूछ नहीं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना, जो पार्टी पहले ही से खत्म हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है जिस पार्टी का, उन्हीं के लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, तो हम पार्टी का नाम ले क्यों लेकर के अपना वक्त बर्बाद करें? ये किसने कह दिया था कि दलितों की सरकार है? ये सर्व समाज की सरकार रही है 2007 में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी का नारा, और दलितों के साथ में सर्व समाज की सरकार थी है। दलितों को जो उत्पीड़न हो रहा है और ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है ये तो आपने स्वयं देख लिया है, तो ये सर्व समाज की सरकार बनती है जिसमें दलितों को भी सम्मान मान सम्मान मिलता है, औरों को भी मिलता है।